एज यू गाइस नो माई हेयर इज़ रियली वीक एंड बहुत टाइम से मुझे हेयर फॉल आ रहे हैं एंड आई बिन लुकिंग टू द परफेक्ट सोल्यूशन और मुझे सोल्यूशन मिल गया है विद दिस ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल. वाओ का है ये जो है. एंड एज यू गाइस नो आई बिन ऑलवेज सेइंग कि वाओ का सारे प्रोडक्ट्स जो है पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री इट्स मेड इन इंडिया और इतना अच्छा है ये प्रोडक्ट जो है. मेरा हेयर इतना अच्छे से मतलब यू कैन सी द रिजल्ट. मैं ये और ये ऑनियन ब्लैक सीड रेंज जो क्यों अच्छा है क्योंकि इट कम्स ये तीनों जो है हेयर ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर के सेट पे आता है विच हेल्प्स योर हेयर गेट्स शाइनियर स्मूदर एंड स्ट्रॉन्गर. और मैं इसको पहले यूज़ करके हेयर ऑयल करना है. कीप इट फॉर सम टाइम लाइक 30 मिनट्स टू आवर और मे बी यू कैन कीप इट ओवरनाइट. एंड उसके बाद यू हैव टू यूज़ द शैम्पू सेम रेंज का ऑनियन ब्लैक सीड का शैम्पू एंड कंडीशनर. तो दोनों ये तीनों रेंज जो है इतना इफेक्टिव है आपको एक साथ इसको परचेस करना है. एंड आई एम लविंग इट सो मच गाइस. लाइक मैं रिजल्ट देखने मिल रहा है मुझे इन जस्ट फ्यू वीक्स मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है. मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था व्हेन आई यूज टू टेक शावर. इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे करके निकल तो इतना ज़्यादा आता था बट इसको यूज़ करने के बाद अभी बहुत हेयर फॉल कम हो गया इन जस्ट फ्यू वीक्स मुझे पता चला है. एंड आई लव दिस हेयर ऑयल क्योंकि इस पे यू कैन इट्स स्मॉल ऊपर से ऐसा है. यू कैन जस्ट ओपन इट. उसके बाद फिर यू कैन पुट दिस कैप हियर. कैप लगाने के बाद ऐसा ऐसा करके यू कैन पुट इट. आई शो यू गाइस. मैं अभी हेयर ऑयल करके आई एम गोना टेक शावर. तो या ऐसा होता है. यू कैन यूज इट लाइक दिस. सो इन दिस वे इट इज़ मच बेटर. या कोई अगर आपके पास कोई आपका चंपी करने नहीं होगा यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ. ऐसे ऐसे करके कॉम भी है ना. एंड ऑल्सो यहाँ पर स्कैन कोड भी है. आप स्कैन करके देख सकते हो हाउ ऑथेंटिक द प्रोडक्ट जो है इतने सारे विटामिन से बना है. एज यू गाइज नो हम लोगों को कितना डाइट अपना मेंटेन करना होता है. हेयर के लिए अलग से कैप्सूल्स खाना पड़ता है हम लोगों को एंड कितना डाइट मेंटेन करना होता है. येस यू हैव टू डू दैट बट अलॉन्ग विद यू ऑल्सो नीड शैम्पू एंड कंडीशनर अच्छा वाला विच विल यू नो रियली टेक केयर ऑफ योर हेयर का रूट्स एंड द ब्रेकेज पार्ट. मेरा हेयर तो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है. स्प्लीडेंस होकर बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग होता है बट आफ्टर यूजिंग दिस मेरा इवन स्प्लीडेंस और ब्रेकेज भी कम हो गया. अवेलेबल इन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड. गाइज आई जस्ट गॉट शावर. इतना अच्छा लग रहा है. लुक एट माई हेयर. बहुत अच्छा लग रहा है गाइज. आप लोग भी जरूर ऑर्डर करना. द लिंक्स विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गुड मॉर्निंग गाइज. अनदर डे अनदर व्लॉग. अनदर डे अनदर व्लॉग. दूसरा दिन दूसरा व्लॉग. मेरा चाय देखिए. और एक बार बोला वेलकम बैक टू माई चैनल. बोला वेलकम बैक टू माई चैनल. यो मम्मी चाय बना रही है. मेरा चाय देखिए. क्या क्या मलाई को यहाँ रखा है. ओ ये मलाई का मलाई. वाह. फिर चाय इधर उबल रहा है तो मलाई को बाद में सुबह स्पेशल चाय पियेंगे. तो मलाई को बाद में चाय के ऊपर डालेगा. वो स्पेशल चाय होता है. वाह मलाई मार के ना. मलाई का चाय. और आप क्या डाले. अदरक अदरक तेजपत्ता और गुड़. वाह चीनी नहीं गुड़ छोड़ दिया. हेल्दी हेल्दी. मम्मी का अपना गाय का दूध एवरी मॉर्निंग खिलाता है. एवरी मॉर्निंग एक लीटर दूध देता है ना आपका गाय. वाह ये दूध आ गया. ये है दूध. इसमें आता है ये एक बोतल में इतना इतना आता है. एक लीटर नहीं है. एक लीटर का है. एक लीटर है ना. अच्छा एक लीटर दूध मिलता है. इतना मजा. व्हाट अ लाइफ. ओ वाओ मलाई में डाल दिया चाय. अभी पिलाओ पापा को. आप पिएगा. हम नहीं पिएगा. हम सुबह सुबह नहीं पीते चाय. चलो चाय चाय चाय. 10 रुपए की चाय. मम्मी का चाय बहुत दाम है. हाँ एक्सपेंसिव थी. ओ 10 रुपया नहीं है ना. नहीं. कितना है. 1000. ये तो पैसा का ये नहीं. पैसा देने से भी नहीं मिलेगा. ओहो प्यार से मिलेगा. ओहो अच्छा अच्छा सही बात है. सही बात है. पी के तो अभी पी के बताओ. एक्सप्रेशन देख के पता चलेगा. कौन आ रहा है. इसलिए मलाई का चाय पिलाया. मलाई मार के आज थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा. होगा ठीक है. आज का वेदर अच्छा लग रहा है. मतलब कल रात बहुत अच्छी तरह से मूनलाइट निकला था तो हमें पता चल गया था कि आज मतलब धूप नहीं होने से भी थोड़ा ब्राइट होगा. मतलब फॉग कम होगा ऐसा. तो आप देख सकते हो आज वेदर थोड़ा अच्छा है इसलिए फॉग कम है.
और जब वेदर ज़्यादा हो जाएगा बारिश तभी फिर फोग ये कवर हो जाता है, माउंटेन को कवर कर देते हैं। चलिए आज का दिन शुरुआत करते हैं, मैं तो तैयार होने जा रही हूँ। गाइस आज का दिन हम जा रहे हैं मेरे बैम्बू घर पे सब सामान सजाने। कल जैसे कि आपने देखा कल के वीडियो पे हमने गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह और जितने सामान खरीदा था वो सब लेके गया था और पानी का काम लाइट का काम वगैरह जो भी है वो सब किया था। तो आज हम जा रहे हैं पूरा घर को सेटअप करने के लिए, पूरा साफ सफाई करने, पूरा पानी से घर को धोएंगे और उसके बाद गैस सिलेंडर वगैरह सब अच्छी तरह से रखेंगे, बर्तन वगैरह मिलाएंगे। तो चलिए आज का दिन शुरुआत करते हैं। अम्मा मैगी बना रही है, मैगी रोज नहीं खाता है, आज खा रहा है ना, रोज तो कभी कभी खाना खाते हैं, कभी कभी फ्राइड राइस खाते हैं, तो आज मैगी खा रहे हैं। मम्मी का इमरजेंसी मेकअप। मम्मी इमरजेंसी मेकअप जिंगल होने से क्या होगा ना, अपना मूड का ऊपर होता है ना। अभी पापा को चलो चलो बोल रहा है, पापा लेट कर रहे हैं तो टाइम पास मेकअप भी कर लिया। वाह सुंदर हो गया, तो हो गया। तो गाइस हम सब घर लॉक करके अभी निकल रहे हैं मेरा बैम्बू घर के, और सब गाड़ी पे लोडेड हो रहे हैं, वहाँ पर अभी काम करने जाएंगे सब लोग। और हाँ पापा मम्मी को फोटो खींच रहे हैं, लेट्स सी, दोनों फोटो क्लिक कर रहे हैं। चलो चलो लेट्स गो। क्या अच्छा फोटो नहीं आया है? खींचने नहीं जाते पापा, तुम खींचो तो दो पापा का फोटोग्राफी उसको पसंद नहीं आया। चल बाल खोलो ना, चल हम क्लिक कर देगा। चलो वन को वीडियो बंद करना पड़ेगा। गाइस हम पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं सामान लेके। अरे बहुत फोगी है, बारिश भी हो रहा है, आई डोंट नो वेदर बहुत ऐसे ही होता है कंटिन्यूसली। वहाँ पे सब काम कर रहे हैं, उस तरफ टॉयलेट बनाने के लिए वो कर रहे हैं, तो वहाँ टॉयलेट बनने के लिए गड्ढा वगैरह खोद रहे हैं मिस्त्री लोग, लेबर लोग। और उसके बाद अभी हम ये घर का सफाई करेंगे। देखिए व्यू कुछ ऐसा है। अभी हम पूरा पानी से ये पूरा घर को धोएंगे और आग जला के, मतलब बाहर में आग जलाएंगे। Hey guys, पानी का सॉर्टेड है, पानी भर के है, अभी घर सफाई होगा पूरा। पाइप से पानी आ रहा है, अनलिमिटेड पानी झरना से, ये पानी का कनेक्शन हो गया। सर्फ है तो ये पानी है, और ऐसे करके इसको साफ करना होता है। ये पूरा फंगस होता है बनाने के बाद, तो बहुत ज़रूरी है इसको पूरा एक बार बनाने के बाद अच्छे से ऐसे साफ करना, उसके बाद तभी पूरा साफ हो जाता है। पूरा घर को, पूरा बैम्बू को एक बार सर्फ पानी से ऐसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पानी ये सफाई हुआ है, पूरा सर्फ से मांजा है, अभी अंदर भी करेंगे। देखिए गाइस कितना फोग आ रहा है विंडो से भी। और अभी सिलेंडर का फिटिंग हो गया है, यहाँ पर रखा है गैस सिलेंडर, और ये मेरा चाय डेक्सी है, चाकू है, सकनी है, और उसके बाद चम्मच है, कढ़ाई है, मसाला डब्बा, कप प्लेट, कप सेट, फिर यहाँ पर गमला है नूडल्स खाने के लिए लिया ये कलर का, और उसके बाद ये है हॉट केस वगैरह, और यहाँ पर है ये भी चीनी चाय पत्ती और नमक रखने का डब्बा, और उसके बाद ये है शीशा ग्लास का सेट, और फिर यहाँ पर है स्पून एंड फोर्क, उसके बाद स्मॉल प्लेट एंड स्टील प्लेट बड़ा वाला राइस खाने के लिए, और यहाँ पर चाय का डेक्सी रखा है। मैं अभी इसको वॉश करके चाय बनाऊँगी जो काम कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर सफाई भी चल रहा है, और उस तरफ टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो देखिए वहाँ टॉयलेट बन रहा है।
यहाँ पर देखो इंडियन टॉयलेट लाया है वहाँ पर लगाने के लिए। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी। यहाँ पर झाड़ू रखा है, कारपेट रखा है, कुकर है इधर, और बहुत सारा सामान है जो अभी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये यहाँ पर वो सीमेंट डाल रहा है, साइड साइड पे बॉर्डर बना रहा है भैया, वो सीमेंट डाल के जब सीमेंट सूख जाएगा ना फिर तभी यहाँ पर आग जलाने के लिए बनाएगा। कल घर का ब्लेसिंग होगा, हमारा प्रीस्ट जो है आएगा तो कल घर का ब्लेसिंग करने के बाद हम पहली बार कल घर का ओपनिंग करेंगे, और मतलब कल घर का ओपनिंग होगा जब यहाँ पर प्रीस्ट ब्लेसिंग करेगा इस घर को, और उसके बाद आग जलेगा मतलब इस घर पे, यहाँ पर इसको हम इमी बोलते हैं, तो इस पे आग जलेगा तब हम मेरी घर जो है ओपनिंग हो जाएगी। तो यस अभी तो साफ सफाई चल रहा है सब कुछ, टॉयलेट भी बन रहा है तो हो जाएगा आज। फॉग देखिए कितना सुंदर है, और हाँ नीचे में आग जला रहा है, नीचे तरफ में आग जला रहा है, नीचे तरफ देखिए नीचे आग जलाया है घर के नीचे में, ताकि वो धुआं जो है वो ऊपर आएगा तो स्मोक जो है उसके वजह से ये घर जो है मतलब थोड़ा बैम्बू जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, और इसमें जो थोड़ा फंगस फंगस टाइप का होगा वो चला जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए। देखिए धुआं निकल रहा है, देखिए वहाँ पर आग जल रहा है तो वहाँ से धुआं ऊपर पे जा रहा है ताकि ये बैम्बू जो है मजबूत। देखिए इसका नीचे भी लगाया है मम्मी है नीचे में, यहाँ पर है आग जल रहा है, धुआं पूरा ऊपर आ रहा है बैम्बू को मजबूत कर रहा है। आज ये लोग यहाँ पर खेतिन को लगा रहे हैं, उसको हम लोग खेतिन बोलते हैं। ये एक हो गया, उसके ऊपर भी एक, तो जैसे भी की खुदाई भी हो रही है। अच्छे लोग भी आया है और फिनिशिंग काम करने के लिए, और वहाँ पर टॉयलेट भी बन रहा है। देखिए गाइस जैसे भी की पापा वहाँ से हाई कर रहा है, वो और अंदर जा रहा है जंगल के अंदर। यहाँ में फिर से रेस्ट हाउस वापस इंस्टॉल कर दिया है, पहले तोड़ दिया था वापस बना दिया, वहाँ पर कल क्योंकि पार्टी होगा तो वहाँ पर कुछ खाना वाना बनने के लिए कुछ, हाँ इसीलिए बनाया। सब काम पे लगे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पर पानी का भी हो रहा है, देखिए गाइस पाइप भी अच्छे से इंस्टॉल हो गए हैं, और ये है घर, और यहाँ पर पाइप है, पानी को क्या हो गया, ओ आ रहा है वापस आ रहा है, और उसके बाद उधर में टॉयलेट है तो काम चल रहा है। चलो पाँव धोते हैं, देख सकते हो कितना कीचड़ हो गया मेरा पाँव। वाओ ये पानी जो है पूरा झरना से आ रहा है, एकदम फ्रेश नेचुरल वाटर, इसको आप पी भी सकते हो ऐसे ही विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग है कुछ नहीं होने वाला। वाओ आई लव इट। ये सब पत्ते देख रहे हो ना, ये हम येरो बोलते हैं, ये है पत्ता। पापा ने इसको किसी को भी लेने नहीं दिया, मेरे लिए रखा है ताकि मैं जब भी यहाँ पे आऊँगी तो मुझे कोई सब्जी का कमी नहीं होगा, मैं इसको तोड़ के बॉईल करके खा सकती हूँ। और इट्स सराउंडेड बाय सो मेनी, मतलब इतना ही नहीं है, बहुत सारा उस तरफ भी बहुत सारा है। मम्मी यहाँ पर सीरियसली आग जला रही है। ये आप देख सकते हो बहुत गीला गीला है, बारिश के वजह से पूरा गीला गीला हो गया, तो आग जलने भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जो कचरे वचरे थे उसको लेके पूरा अभी हम साफ कर रहे हैं, जला रहे हैं कचरे को। मम्मी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, इतना मेकअप करके मेकअप तो खत्म कहानी मेकअप का धजिया और गया, नहीं तो अच्छा ही लग रहा अभी भी। तो ये सब आग पूरा जल के होने से कचरा वचरा कुछ इधर जंगल में कोई कचरा नहीं होगा, कोई प्लास्टिक इधर उधर नहीं होगा, जो ये पहले काम करके इधर उधर थोड़ा हुआ था कचरा वो पूरा जल रहा है इधर। और ये देख सकते हो घर नीचे से ऐसा कुछ दिखता है, और वहाँ अम्मा भी है, अम्मा भी उस वहाँ पर आग जला रहे, बहुत काम चल रहा है। ये देखिए धुआं ही धुआं हो रहा है ये ऊपर जाने के लिए बैम्बू पे। आज आमा जूही चावला जैसा लग रहा है। हम उसको लिपस्टिक लगा दिए हैं, जूही चावला से भी कम नहीं लग रहा है। आमा का फेवरेट गाना है चाहे गजब का है दिन, और ये खेती कर करके ये गाना गाने से तो और मजा लगेगा क्या।
कांगम जा तोपिंगा कमेगो मैचिंग पा कान पुलिंगा कमेगो मैचिंग पा दे बारिश वापस बारिश हो रहा है। आई लव दिस व्यू, ये व्यू देखो। और जब फॉग क्लियर होता है ना वहाँ पर एक वो वाला गच्ची जो है वो वाला उसमें लाल वाला फ्लावर है बहुत सुंदर लगता है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर को पोछा वगैरह लगा लिया है, पानी का कनेक्शन भी हो गया है। कल आएंगे प्रीस्ट से हम ब्लेसिंग कराएंगे। और कल यहाँ पर साइड साइड में दो, ये साइड एक और ये साइड एक रेस्ट हाउस भी बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बने रहिए व्लॉग में। ये रास्ता जो है अभी थोड़ा और बड़ा हो गया है गाड़ी आने के लिए, यहाँ तक बहुत कन्वीनियंट हो रहा है। गाइस एक सुंदर चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, फोर, फाइव। कितना सुंदर नहीं लग रहा है? देखो वन टू थ्री फोर फाइव, बीच बीच में फॉग बढ़ती है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी अभी मैंने नोटिस किया है, इतना सुंदर से फॉग्स जो है इतना सुंदर से आया हुआ है। तो गाइस कल का व्लॉग ज़रूर देखना, कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे बैम्बू के घर तैयार होके हम ओपनिंग करेंगे और मेरे बर्थडे भी सेलिब्रेशन होगा। सो या आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।